सीरियल अनुपमा में अनुपमा की जिंदगी में ज्यादा देर खुशियां रह नहीं पाती। एक बार फिर से जहां थोड़ी बहुत खुशियां उसके घर में आई थी त्योहार के रूप में, जन्माष्टमी के रूप में, लेकिन एक बार फिर से अनुपमा की आंखों में आंसू और उसके चेहरे पर वो उदासी आप सभी को देखने को मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा कारण है उसका बड़ा बेटा पारितोष। जी हाँ, पारितोष ये घर छोड़ देगा, अनुपमा को छोड़ देगा अपनी गर्लफ्रेंड किंजल के लिए। होता क्या है, सारी अपडेट आपको देते हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ घर में अनुपमा के घर में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा है। सारे दोस्त आए हैं, सब लोग आए हैं, काव्या आई है, उसकी भांजी आई है, बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत खुश होते हैं और किंजल आती है। किंजल सिंपल तरीके से आती है तो यहाँ पर दादी उसे देख के कमेंट मारती है कि कोई त्यौहार के दिन इतना सिंपल तरीके से तैयार होकर आता है। ऐसे में यहाँ पर अनुपमा बोल देती है उसे बचाने के लिए कि किंजल को मैंने ही कहा था, मैं उसे तैयार करने वाली थी। और अनुपमा उसे इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार करती है कि पूछिए मत। किंजल सच में, अनुपमा जिस तरह से उसे तैयार करती है, किंजल उसमें बेहद खूबसूरत लग रही है। पारितोष उसे देखता है और बस देखता रह जाता है। सारे घर वाले किंजल को देखकर बहुत खुश है और जो अड़ोसी पड़ोसी आए हैं अनुपमा के घर के अगल बगल, वो सब भी किंजल को देखकर उन्हें वो कहते हैं अनुपमा से कि तुम्हारी बहू तो बहुत सरस छे, बहुत खूबसूरत है। तो अनुपमा यहाँ तारीफ भी करती है कि वो जितनी खूबसूरत है, जितने ही बड़े घर से है, उतनी ही संस्कारी है। ये सारी बातें यहाँ होती हैं। ऐसे में वनराज और अनुपमा एक साथ कान्हा के जन्मदिन की तैयारी करते हैं, उन्हें चन्ना मिर्च चढ़ाते हैं और उन्हें झूला झुलाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। आरती होती है और काव्या यहाँ सब कुछ देख रही होती है कि वनराज कैसे अपनी पत्नी के साथ इस तरह बिजी है। काव्या को अच्छा तो नहीं लगता। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे इस सारी खुशियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी किंजल की माँ। जी हाँ, जिसे स्टेटस बहुत मायने रखता है, जिसके लिए, जिसे जब काव्या को देखा तो उसे लगा कि ये है शायद उसके होने वाले संबंध, तो वो खुश हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने अनुपमा को देखा, उसे लगा सो मिडिल क्लास, ऐसा कहा था किंजल की माँ ने। खैर, यहाँ पर किंजल दरअसल झूठ बोल के आई होती है। किंजल की फैमिली को नहीं पता होता कि किंजल उनके घर गई है और उसकी माँ का कई बार फोन आता है पर किंजल काट देती है। ऐसे में उसकी माँ को समझ में आ जाता है कि किंजल शायद वहीं गई है और किंजल की माँ पहुंच जाती है अनुपमा के घर, यहाँ पे जहाँ उसकी बेटी किंजल है। यहाँ पर जितने फंक्शन चल रहे होते हैं, सब लोग डांस कर रहे होते हैं और किंजल की माँ यहाँ एक अलग ही ड्रामा क्रिएट कर देती है। सब पर चिल्लाती है, रोकती है और यहाँ किंजल पर चिल्लाती है। किंजल उससे माफ़ी मांगती है कि वो उसे झूठ बोल के आई थी। और यहाँ पर अनुपमा किंजल की माँ को कहती है, चलिए उसने माफ़ी मांग ली है किंजल की, हम और आप समधन होने वाले हैं, तो हम लोग डांस करते हैं यहाँ पे, चूँकि फेस्टिवल है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं। ऐसे में वो सीधे अनुपमा को धक्का देती है और कहती है, आपको किसने कहा कि किंजल का रिश्ता मैं आपके घर में करने के लिए राजी हो गई हूँ। फिर वो यहाँ पर कहती है कि झूठ बोल के आई, आपने उसे रोका, आपने उसे यहाँ तैयार किया, ये सारा ड्रामा करती है। एक तरह से घुमा फिरा के सारा ब्लेम अनुपमा पे आ जाता है। यहाँ घर वालों को भी, घर वाले भी अनुपमा पर ब्लेम करते हैं कि तुम्हें उसे पूछना चाहिए था वो घर वालों को बता के आई है नहीं, और तुमने उसे इस तरह से तैयार होने के लिए क्यों कहा। बहुत सारा ड्रामा होता है। पारितोष को लगता है कि उसकी किंजल उसके हाथ से चली जाएगी, वो अपने प्यार को खो देगा। ऐसे में वो घर में सारा ब्लेम माँ पर डालता है और घर छोड़कर जाने लगता है। अनुपमा इस बात के लिए बहुत रोती है, वो रोकना चाहती है पारितोष को, लेकिन पीछे से वनराज रोक देता है। वनराज कहता है, अगर आज माँ यहाँ से घर से कदम उठा लेती है, बाहर निकल गई अपने बेटे के प्यार में, तो पत्नी वापस नहीं आनी चाहिए। यानी अनुपमा को देता है कि हिदायत देता है कि अगर तुमने उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम इस घर से निकल गई पारितोष के लिए, तो वापस इस घर में कभी मत आना। अनुपमा अपने पैरों को रोक लेती है, उस दहलीज से बाहर निकलने से रोक लेती है, क्योंकि उसे पता है उसकी मर्यादाएँ बस इतने तक ही हैं। अनुपमा जैसी सीधी लड़की सीरियसली एक ऐसी महिला ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर अपनी ममता के आंसू बहुत रोती है, लेकिन वनराज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में एक अजीब सा माहौल हो जाता है और पारितोष घर वालों को छोड़कर चला जाता है। क्या पारितोष वापस आएगा, या पारितोष के जाने का सारा ब्लेम जीवन भर पूरे घर वाले अनुपमा को देते रहेंगे। क्या होगा शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।